हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे माइल्ड स्टील यानी MS पाइप के बारे में। हमने GI पाइप के बारे में बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, GI पाइप के थिकनेस, GI पाइप के वेट, प्राइस के बारे में। लेकिन ये जो हमारा वीडियो रहेगा ये MS पाइप्स के बारे में रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे MS पाइप के प्राइस के बारे में, MS पाइप होता क्या है, माइल्ड स्टील पाइप किसे कहते हैं, इसके डिफरेंट क्लासेस क्या होते हैं, किन को किन किन क्लासेस में डिफरेंशिएट किया गया है, और इसके यूज़ और एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और हम एक आपको साइट का वीडियो दिखाएंगे जहाँ पे हमारा स्टोर है, वहाँ पे बहुत सारे MS के पाइप्स रखे हुए हैं। इसके हम इंजीनियरिंग यूज़ भी बताएंगे एप्लीकेशंस के साथ, और हम जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं उसके बारे में भी पूरी डिटेल में बात करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। अभी स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए MS पाइप रखा हुआ है। डिफरेंट डाया के जो जो पाइप्स आते हैं उनके प्राइजेस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि माइल्ड स्टील पाइप यानी MS पाइप क्या होता है। सबसे पहले अब देख लेते हैं कि MS पाइप मतलब व्हाट इज़ MS पाइप, MS पाइप क्या होता है। द पाइप विच इज़ मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील कॉल्ड MS पाइप। इट कैन बी इजिली वेल्डेड एंड फॉर्म इन वेरियस शेप एंड साइजेस फॉर पाइपलाइन। इट्स हैव वेरी लो कार्बन कंटेंट, अप्रॉक्सीमेटली 0.25%, सो इट डजेंट हार्डन एंड इट इज़ ईजी टू यूज़। MS पाइप को हम माइल्ड स्टील पाइप भी कहते हैं। जो भी पाइप माइल्ड स्टील से बनी होती है उसको हम MS पाइप कहते हैं। वेल्डिंग करना इसमें काफ़ी आसान होता है क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.25% होता है, इसलिए ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो इसको किसी भी शेप किसी भी साइज़ में हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने डिज़ायर के हिसाब से, जैसे भी हमको शेप में चाहिए उस शेप में इसको हम ढाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको यूज़ भी कर सकते हैं, अपने डोमेस्टिक पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं और इंजीनियरिंग पर्पज़ में भी इसको यूज़ में लाते हैं। इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, कार्बन कंटेंट कम होने की वजह से ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा ये डक्टाइल नेचर का होता है, तो हम जिस शेप में चाहते हैं इसको मोड़ सकते हैं और इसकी वेल्डिंग जहाँ भी चाहते हैं अपने डिज़ायर के हिसाब से उसको कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं क्लासेस ऑफ MS पाइप के बारे में। जिस तरीके से हमने GI पाइप के बारे में बात किया था उनकी क्लासेस के बारे में कि कितने क्लासेस में इनको बांटा गया, उसी तरीके से MS पाइप भी होता है उनको किन किन क्लासेस में बांटा गया है। जैसे जनरली तीन क्लासेस में डिवाइड होते हैं MS पाइप, क्लास ए होता है, क्लास बी होता है, क्लास सी होता है। ये क्लासेस जो होती हैं जिसके जिसको इसमें बांटा गया है उस किस बेसिस पे इसको हमने अलग किया हुआ है ये भी देख लेते हैं। जनरली इसका वेट, इसकी प्राइस, इसकी क्वालिटी, थिकनेस, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब सारे चीज़ें मेन पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमने पाइप्स को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर इसमें ये क्वालिटी होती है तो उसको इस ग्रेड में रखते हैं। ज़्यादा जैसे थिकनेस की बात करते हैं, थिकनेस अगर ज़्यादा होता है तो क्वालिटी उसका वेट भी ज़्यादा होगा, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। वेट ज़्यादा रहेगा तो उसका प्राइस भी ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहती है, तो उसको सी क्लास में रखते हैं। जैसे सबसे पुअर जो क्वालिटी क्लासेस होती हैं ए क्लास होता है, उससे अच्छी क्वालिटी बी क्लास को मानते हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी सी क्लास के पाइप को हम लोग जनरली पाइप मानते हैं। कि प्राइस क्या क्या होते हैं MS पाइप के, जनरली जो हम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो कि देखिए अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सब डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे सीमेंट सेट डालना होता है वहाँ के लिए, ग्रिल वगैरह बनानी होती है उस चीज़ के लिए, थोड़ा सा अगर पानी को हमको कन्वे करना होता है एक जगह से दूसरी जगह उस विदाउट प्रेशर, वहाँ पे हम लगा लेते हैं MS पाइप। तो ये सारी पाइप्स वो हैं। लेकिन जिस प्राइस के बारे में हम बात करेंगे, जिस MS पाइप के प्राइस के बारे में हम बात करेंगे, वो हमारा सी क्लास का MS पाइप रहेगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि 25 mm जो डाया का पाइप होता है वो पर मीटर रेट है 198 रुपीज़। मतलब 25 mm डाया का पाइप है तो 1 मीटर अगर लेंथ है उसकी तो उसका रेट है 198 रुपीज़। ये लमसम रेट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ मार्केट टू मार्केट ये थोड़ा वेरी भी कर सकता है। अगर 15 mm का पाइप है, 15 mm का पाइप है, तो उसका पर मीटर रेट 110 रुपये है। ये हम
जिंदल पाइप जो होता है उसके रेट के बारे में बात कर रहे हैं, जो अपडेटेड प्राइस है 2020-2021 का, ये है। ये सी क्लास का एमएस का पाइप है, उसका रेट है, जो कि हम कहीं कहीं फायर फाइटिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एचवीएसी में भी यूज़ कर सकते हैं, और सारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। 20 mm डाया का पाइप, अगर हम इसका रेट के बारे में बात करते हैं तो 135 रुपीज़ पर मीटर, 135 रुपये पर मीटर इसका रेट है अभी। ये सारे पाइप जो कि 15 mm है, 20 mm है, ये सारे फायर फाइटिंग सिस्टम में नहीं यूज़ कर सकते हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम में सबसे छोटी डाया का जो पाइप यूज़ कर सकते हैं वो है 25 mm, यानी 1 इंच का पाइप। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है ये सब डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, अगर हम 32 mm डाया यानी 32 mm डायमीटर का पाइप, एमएस के सी क्लास का पाइप देखते हैं, तो उसका प्राइस है 270 रुपीज़ पर मीटर। यहाँ पे हम पर मीटर में बात कर रहे हैं, जो हमने जीआई पाइप का रेट आपको प्रोवाइड किया था उसमें हमने पर फिट के हिसाब से आपको रेट बताया था। ये जो रेट हम आपको बता रहे हैं ये पर मीटर में है। तो 32 mm डाया के पाइप के बारे में बात हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, जो इसके आगे की डाया है यानी कि 40 mm डायामीटर, 40 mm डायामीटर का पाइप जो होता है उसका प्राइस है अभी 310 यानी 310 रुपीज़ पर मीटर। ये भी 40 mm डाया का प्राइस है। प्राइस वेरी कर सकता है, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 5 रुपये 10 रुपये इतना ही वेरी करेगा मार्केट टू मार्केट। ये जिंदल पाइप का रेट है। उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, 50 mm डायामीटर का अगर पाइप है हमारा तो इसका रेट है आपको 430 रुपीज़ पर मीटर। ये रेट है। ये सारे रेट जो हैं लमसम है, लमसम मतलब थोड़े से ज़्यादा वेरी नहीं करेंगे, थोड़े से वेरी करेंगे। और इनको आप अगर कंपेयर करेंगे डोमेस्टिक पाइप जो हम यूज़ कर सकते हैं तो उनसे ये काफ़ी ज़्यादा ये महंगे पाइप होते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक पाइप वो काफ़ी सस्ते होते हैं, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं होती है, पुअर क्वालिटी के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 65 mm डायमीटर के पाइप की अगर बात करते हैं तो इसका रेट अभी 550 यानी 550 रुपीज़ पर मीटर है। इन सब पाइप को जो अभी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है ये सब डोमेस्टिक पर्पज़ वाले पाइप हैं, जो फायर फाइटिंग सिस्टम में हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं एक्चुअली में, वो थोड़ा सा हैवी क्वालिटी का पाइप होता है यानी सी क्लास का पाइप होता है, तो वो पाइप जो प्रेशर झेल सकता है इसलिए उसको हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब अगर 80 mm डायमीटर के पाइप की बात करते हैं तो इसका प्राइस है 710 यानी 710 रुपीज़ पर मीटर। ये हमारे 80 mm डायमीटर का पाइप है, उसका प्राइस ये है 710। इसका प्राइस काफ़ी मतलब अगर उससे हम रिलेट करेंगे जीआई पाइप का, जो सी क्लास का पाइप होता है उससे ये सस्ता ही आता है। जीआई पाइप थोड़ा एमएस पाइप से महंगा मिलता है। बात करते हैं अगर हम 100 mm यानी 4 इंच डायमीटर के पाइप के बारे में तो इसका प्राइस देखिए 995 रुपीज़ पर मीटर। ऊपर आप ध्यान दीजिएगा कि हमने जो भी प्राइस बताया है वो पर मीटर पे बताया है, पर फीट पे नहीं बताया। पर फीट पे हमने जीआई पाइप के बारे में बात किया था और ये केजी के हिसाब से भी नहीं हमने बताया, ये पर मीटर के हिसाब से जो भी हम आपको प्राइस प्रोवाइड कर रहे हैं ये पर मीटर है। इसके आगे बढ़ते हैं, 125 mm, ये 125 mm इसकी प्राइस है देखिए 1260 यानी 1260 रुपीज़ पर मीटर। इस डायमीटर का पाइप ये हम लोग फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम जनरली 100 mm यानी 4 इंच के बाद हम सीधे 6 इंच का पाइप यूज़ करते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम में। ये अदर पर्पज़ जो भी इंडस्ट्रियल काम होता है उसके लिए हम
थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप MS पाइप ही अगर सी क्लास का लेते हैं, जिसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, वेट ज़्यादा होता है, तो उसमें वेल्डिंग करना आसान होता है। तो जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए पाइप होता है, जो कि बहुत ही पतला होता है, बहुत ही थिन होता है, उसमें वेल्डिंग नहीं करते हैं। जो थोड़ा सा मोटा होता है, जिसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें हम वेल्डिंग ईजिली कर लेते हैं। ये सारे पाइप देखिए लॉट रखा हुआ है। ये सारे जो पाइप्स अभी हम दिखा रहे हैं, अभी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये डोमेस्टिक पर्पज़ वाले हैं। इसमें देखिए इसकी थिकनेस बहुत कम है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेकर 3 mm के बीच में इसकी थिकनेस होती है। लेकिन जो GI पाइप होते हैं सी क्लास के, उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इतनी होती है कि आप उस पर ईजिली वेल्डिंग कर सकते हैं। तो अगर हम MS का सी क्लास का पाइप लेते हैं, तो उसमें भी वेल्डिंग करना आसान होता है। लेकिन ध्यान रहे, वो चीज़ डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए अगर यूज़ ना हो। डोमेस्टिक पर्पज़ में हम वही पाइप यूज़ कर सकते हैं, MS पाइप का, जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।